सोचा। इंद्रजीत भी काफी देर से हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। इंद्रजीत और अच्छे से बता पाएंगे वहां पर जो बातें हुई हैं, अजीत पवार ने जो कुछ कहा, शरद पवार ने थोड़ा बोला इंद्रजीत, लेकिन क्या कहा है उन्होंने और बाकी के नेता क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल विपनेश, अगर शरद पवार की बात करें तो शरद पवार ने ये कहा है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उसके बाद अजीत पवार आए और अजीत पवार ने एक तरह से कहा कि आप उनके जो भावनाएं हैं उसका सम्मान कीजिए, वो अब पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे हम सबके साथ रहेगा। बड़े इलेक्शन में, बड़ी मीटिंग्स में वो हमेशा मार्गदर्शन देते रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि अध्यक्ष पद छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि वो हमसे अलग हो रहे हैं। उनके मार्गदर्शन के नीचे जो भी अध्यक्ष होगा वो काम करेगा। इसका ये मतलब बिल्कुल निकाला जा सकता है कि कम से कम पवार परिवार में इस बात को लेकर पहले बात हो चुकी है कि पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, किस तरह से आगे जाया जाएगा। ये बातें ऐसा लग रहा है कि पवार परिवार में तय हो चुकी हैं और यही कारण है शायद कि बीच में जो नाराजगी की खबरें आ रही थी और इसके बाद रोटी पलटने की बात आई, तो कहीं ना कहीं जो बदलाव का अंदेशा है, भले बाहर के लोगों को नहीं है, लेकिन लगता है कि परिवार के जो कोर मेंबर्स हैं उनको इस बात का अंदेशा जरूर था कि अब पार्टी में बदलाव का वक्त आ गया। शायद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने परिवार के लोगों को पहले ही कॉन्फिडेंस में ले लिया था कि अब जो पार्टी में बदलाव का वक्त है। लेकिन हालांकि जब अजीत पवार बोल के उठे, उसके बाद कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ एक तरह से बोला और उन्होंने कहा कि उनको ये मंजूर नहीं है कि शरद पवार इस्तीफा दें, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सबको संभालना पड़ेगा और शरद पवार का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं अजीत पवार ने ये साफ कर दिया है कि शरद पवार अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने जा रहे हैं। अब जो भी होगा वो पार्टी का नया अध्यक्ष संभालेगा, लेकिन पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा इसके बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं है। लेकिन इस तरह की चर्चा जरूर है कि कोई नाम परिवार की तरफ से बिल्कुल तय किया गया होगा। हालांकि शरद पवार ने कहा है कि एक कमेटी बनाई जाएगी, एक समिति बनाई जाएगी और उसके बाद वो समिति तय करेगी कि पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि उस समिति को लेकर छगन भुजबल ने कहा कि आप ही समिति हो, आप ही कमेटी हो, आप ही सब कुछ हो, आप जिसको बोल दोगे, जो बोल दोगे वही होगा, लेकिन फिलहाल हम सब यही चाहते हैं कि आप अध्यक्ष पद पर बने रहें। लगातार जो दूसरे नेता हैं वो कह रहे हैं कि आप अध्यक्ष पद पर बने रहें। इसके अलावा अगर जयंत पाटिल की बात करें, महाराष्ट्र अध्यक्ष, जब वो उठे तो वो काफ़ी भावुक हो गए, रोने लगे। उन्होंने कहा कि आपको देखकर हमने राजनीति सीखी है, आपके नाम पर हम वोट मांगते थे, आप कहें तो हम सारे लोग, सारे जितने पदों पर हैं सब इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, आप जो चाहें जहाँ चाहें बदलाव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की पार्टी में दो फाड़ होने की चर्चा थी, पार्टी में गुटबाजी की चर्चा थी, शायद इसको विराम देने के लिए भी ये कदम उठाना पड़ा हो। दूसरी बात ये भी है कि हो सकता है कि विरासत को आगे बढ़ानी हो, शरद पवार का ऐसा मानना हो कि ये उचित समय आ गया है कि विरासत को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वो अभी मार्गदर्शन कर सकते हैं, पार्टी पे कंट्रोल कर सकते हैं, पार्टी उनके साथ है, पार्टी के नेता उनके साथ हैं, कोई बगावत भी करना चाहे तो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि उन्होंने ऐसे समय में ये निर्णय लिया है। लेकिन इतना जब अजीत पवार बोल कर गए हैं तो ऐसा जरूर लग रहा है कि जो परिवार के कुछ लोग हैं उनको ये जरूर पता था कि इस तरह का कुछ होने वाला है। तो इस इस्तीफे का महाराष्ट्र की सियासत पे क्या असर पड़ेगा? इंद्रजीत, चाणक्य हैं राजनीति के, एमवीए बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, कई बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं जिसने राजनीति का रुख मोड़ दिया है। जी बिल्कुल, अगर मैं सुकेश सर की बातों को आगे बढ़ाऊं तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हो सकता है ये भी कि फ्री हैंड दिया जा रहा हो कि पार्टी अगर कहीं जाना चाहती है तो वो जा सकती है, उनको कोई एतराज नहीं है, ये भी एक मायने हो सकता है। दूसरा ये भी मायने हो सकता है कि इसको लेकर और जो पार्टी को है बूस्ट किया जाए और एक तरह से एमवीए को मजबूत किया जाए, क्योंकि देखा जा रहा है कि जब जब भी महाराष्ट्र में कोई उपचुनाव हुआ हो या विधान परिषद का चुनाव हो, चाहे इसके अलावा आपने देखा कि जो दो तीन चुनाव और हुए हैं, जैसे अभी एपीएमसी का चुनाव है, बाजार समिति का चुनाव है, उसमें महाविकास आघाड़ी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। बताया ये भी जाता है, महाविकास आघाड़ी की तरफ से बार बार दावा किया जाता है कि ये जो जिस तरह से रिजल्ट आ रहा है वही देखकर जो बीजेपी है या एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो महानगर पालिकाओं के चुनाव नहीं करा रही है, कहीं ना कहीं डर रही है। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस जो महाविकास आघाड़ी में है, तो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी को ये अंदेशा है कि आने वाले समय में उनकी सरकार महाराष्ट्र में आ सकती है और
यही कारण है कि हो सकता है कि पार्टी को और बूस्ट करना हो, क्योंकि जहां जहां भी इन तीनों की रैलियां हो रही हैं, तीनों पार्टियों की बज्रमुठ सभा का नाम दिया गया है, वो सभा हो रही है, वहां वहां अच्छे बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं। साथ ही उसका रिजल्ट भी देखने आ रहा है कि जो भी उपचुनाव हो रहे हैं या जो भी चुनाव हो रहे हैं उसमें तीनों पार्टियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसको और अच्छा बॉन्ड बनाना है, क्योंकि तीनों पार्टियों का मानना है कि अगर तीनों पार्टियां एक साथ रहती हैं, मजबूती से रहती हैं, तो महाराष्ट्र में जितने भी चुनाव होंगे, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर महानगर पालिका के चुनाव हो, अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। यही कारण है कि हो सकता है कि तीनों पार्टियां एक दूसरे को बूस्ट भी करना चाहती हैं और उस आधार पर भी ये कदम उठाया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।